इस बार हुक किया और हुक करने की कोशिश में रोहन साळुंखे, शून्य से जीरो। चांगली सुरुवात बिलाडकडून म्हणावी लागेल, कारण ज्यावेळेला पहिल्या दिवशी 100 वर धावसंख्येचा पाठलाग क्रिकेट पंडित करत होते, रोहनने खूप चांगली सुरुवात केली होती सर, ज्यामध्ये 5 षटकारांचा समावेश होता, परंतु आज रोहनचं लवकर माघारी परतणं प्रतिस्पर्धी संघ शारीरिक लोकन भोपाळच्या पत्त्यावर नक्कीच पडेल। देखिए योगा योग, लेकिन ये भी है कि पहली इनिंग में दूसरी बॉल पर विकेट गिरी थी, बैट्समैन शून्य पर आउट हुआ था, इस इनिंग में भी दूसरे निपैकर बॉल बिल्कुल कट होकर अंदर की तरफ आने वाला तेज तीखा ऑफ कटर और कोई जवाब नहीं प्रीतम परब के पास। बहुत अच्छा रिलीज, देखिए कट होकर दो पैरों के बीच में की दर नए बैट्समैन है प्रदीप पाटिल, इस बार उड़ा दिया है आसमान में और इसके साथ पूरे टूर्नामेंट की दो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर शारिक के नाम, हाईएस्ट टीम स्कोर के शारिक के नाम, हाईएस्ट पार्टनरशिप के शारिक के नाम, अब के शारिक के नाम एक ही चीज बची है, वह 5 लाख रुपए और प्रहार चषक। दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, सुपर हैट्रिक, प्रदीप पाटिल शून्य पर आउट हुए, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे। तीन बल्लेबाज शून्य, इस बार चार एक फ्रॉम मैच टू नो मैच, मोहम्मद इमरान ने कहते ना खुशी पूरे मैच को अब डोमिनेट करता हुआ बल्लेबाजी में 100 इस टूर्नामेंट का पहला 5 विकेट का प्रदर्शन अनिकेत सानप के नाम रहा था। और बिलाल गेंद के नीचे आते हुए कॉटन बोल्ट के रूप में बिलाल का ये 5वां विकेट, टूर्नामेंट का दूसरा फाइफर और दोनों ही 5 विकेट के जो प्रदर्शन है के शारिक भोपाल मध्य प्रदेश के नाम। कल अनिकेत सानप हैट्रिक वाला फाइफर और आज बिलाल डबल हैट्रिक वाला फाइफर। के शारिक के गेंदबाजी के ये दो शेर हैं। अभी सुबह सुबह जब मैं इस मैदान पर आ रहा था मेरे बाजू से एक टेम्पो गुजरा और टेम्पो के पीछे लिखा था शेर की झलक सबसे अलग।